नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में शामिल हुए थे। लेकिन इन सबके बीच में सबसे प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच कहीं ना कहीं काफी कुछ बड़ा गंभीर विषय खड़ा हो गया है, और वो विषय है खुद उनके परिवार की बात, उनके चाचा की बात, शिवपाल यादव की बात। लगातार शिवपाल यादव की अनदेखी पिछले 6 सालों से हो रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव किसी तरह से माने थे और अखिलेश और शिवपाल एक साथ होकर के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद से एक बार फिर से शिवपाल यादव ने ये आरोप कहीं ना कहीं मन में ये लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उन्हें अपने से अलग करती हुई दिख रही है। वो ना तो विधायक दल की बैठक में बुला रहे हैं, ना ही किसी चर्चा का विचार विमर्श करने के लिए बुला रहे हैं। कई सारी चीजों को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने अपना जो दर्द है वो बयान किया है और ये कहा है कि वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब एक साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तले दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बावजूद उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। वो नाराज होकर पहले इटावा गए, फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली में एक लंबा समय बिताया उन्होंने, और उसके बाद आज लखनऊ में भी देखने को मिला कि उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय पर बैठक की। कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, और उसके पहले उन्होंने जब शपथ ली थी अपने विधायक होने के बाद, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि वक्त आने पर मैं बहुत कुछ बोलूंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया। तो किस वक्त का इंतजार शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर्स में से हैं। वो कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाते थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया था, कभी कैबिनेट मंत्री रहते हुए कई सारे प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी निभाई थी और सरकार को मजबूत स्तंभ होने का दावा भी पेश किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर शिवपाल सिंह यादव अब इतने समस्याओं में घिरे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार है? उनके खुद के भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें बुलाने को तैयार नहीं है, उनसे चर्चा विचार विमर्श करने को तैयार नहीं है। क्या हुआ ऐसा? 6 साल के लंबे इंतजार के बाद शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल कराया गया था, वो चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, और लग रहा था समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ताओं को कि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर हो गया है, एक बार फिर से परिवार एक हो गया है, कार्यकर्ता एक हो गए, और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी भी गई, हालांकि सत्ता नहीं मिली, लेकिन विपक्ष में मजबूत स्थापित करने का जो बीड़ा था वो जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन, जो सपा का गठबंधन था, उसे दिया, जिसमें शिवपाल सिंह यादव भी शामिल थे, उनकी पार्टी भी शामिल थी। शिवपाल सिंह यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो वो भी एक मजबूत विधायक के रूप में, मजबूत नेता के रूप में विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए चुने गए थे। लेकिन उसके बावजूद अब कुछ ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की अनदेखी लगातार समाजवादी पार्टी में हो रही है। बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन पहले जब शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में थे, तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, ये खबरें निकलकर सामने आ रही। कुछ राजनीतिक गुरु भी इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, काफी चर्चाएं हुई हैं, और कुछ ऐसा भी चल रहा है जो बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये भी बताया जा रहा है कि जब दिल्ली से लौट करके शिवपाल सिंह यादव लखनऊ आने वाले थे, तो उस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ एक बैठक होनी थी, क्योंकि पहले 26 मार्च को सपा से जो जीते हुए विधायक थे उनको बुलाया गया था, और उन्हीं विधायकों में से एक विधायक शिवपाल सिंह यादव भी थे, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था, न्योता नहीं दिया गया था। सवाल पूछने पर प्रदेश अध्यक्ष सपा के, उनका यह कहना था कि शिवपाल सिंह यादव अपनी एक अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब गठबंधन की बैठक होगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब शिवपाल सिंह यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, तो वो गठबंधन के प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं? दूसरी चीज, जब उस बैठक में शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया और यह कहा गया कि जब गठबंधन की बैठक होगी तब हम शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाएंगे, उसके कुछ दिन बाद
गठबंधन की बैठक हुई, एक पत्र जारी किया गया जिसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम था और यह कहा गया था कि गठबंधन की बैठक है, गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशियों की बैठक है, आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है, आप आइए उस बैठक में शामिल होइए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में रहे और वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज इस बार दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जब वो लखनऊ आए तो कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात बताई है। ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने गया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद लगातार शिवपाल सिंह यादव इस बात को भी कहते आ रहे हैं कि वक्त आने पर मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं, समय का इंतजार करिए। तो आखिर ये समय का पहिया किस ओर करवट लेने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी में विपक्ष की कुर्सी से एक बड़ा नेता खिसक सकता है, या बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है? इसके अलावा खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है, इसमें कितनी पुष्टि है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के रास्ते से राज्यसभा जाने की तैयारी भी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव की चल रही है। और आजमगढ़ की सीट पर अगर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होती हैं, क्योंकि वो सीट अखिलेश यादव ने छोड़ दी है, तो वहां से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मतलब डिंपल यादव के सामने उनके चचिया ससुर के लड़के, उनके खुद के देवर प्रत्याशी के रूप में सामने होंगे। लड़ाई काफी अहम होगी, यादव कुनबा आमने सामने हो सकता है अगर ये सारी अटकलें सही हुई तो। फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें अभी नहीं कहा जा सकता, ये तो समय बताएगा। जैसे शिवपाल सिंह यादव खुद कह रहे हैं कि समय बताएगा, तो समय किस करवट बैठता है, क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये पता चलेगा। और एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही कि अगर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा जाते हैं तो जसवंत नगर की सीट से भी आदित्य यादव अपना नाम भर सकते हैं, वहां से विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। किस पार्टी के तले? शायद बीजेपी के तले, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है देखना अहम होगा। लेकिन लगातार शिवपाल सिंह यादव की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि समय आने पर बहुत कुछ करूंगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बिखरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और इस गठबंधन को एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी थी, लेकिन उस गठबंधन की जो गांठें हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और इससे जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जिन्होंने उन्हें एक वोट दिया था, मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में काबिज कराया था, वो कहीं ना कहीं काफी कुछ छला हुआ खुद को महसूस कर रही है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव का बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। क्या ये सही समय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है नेताजी के पास? समय है अभी भी चेत जाए, बड़ा डेंट है, इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए, कुछ नहीं का खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। क्या ये सही समय